जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं को भी देखेगा कोर्ट। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल, जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद और राधा कुमार जैसी प्रख्यात हस्तियों समेत कई अन्य दलों ने दाखिल की है याचिकाएं। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले ने व्यापार पर डाला असर। चैंबर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन ने आज बुलाया बंद, कहा व्यापारियों को आंदोलन की ओर धकेल रहा है राज्य प्रशासन। व्यापारियों के घाटी में फंसे करोड़ों रुपए, सीजनल सेब और अखरोट के निर्यात की व्यवस्था नदारद, पर्यटकों की कमी से घाटी में छाई मायूसी। अयोध्या मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व आरएसएस विचारक केएन गोविंदाचार्य ने दायर की थी याचिका, कहा था भारत डिजिटल दुनिया में बन चुका है सुपर पावर, लिहाजा अयोध्या मामले की होनी चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग, न्याय को देखना है लोगों का मौलिक अधिकार। चुनाव में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने लगाया जोर, आज से दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, सूबे में जनसभा को संबोधित करने का भी रखा कार्यक्रम। पिछले दिनों पीएम मोदी ने रोहतक से फूंका था चुनाव प्रचार का बिगुल, बीजेपी ने हरियाणा में 90 में से 70 प्लस सीटें जीतने का रखा है लक्ष्य। संत रविदास मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने दायर की है याचिका। अशोक तंवर ने केंद्र सरकार पर लगाया था पूजा के संवैधानिक अधिकार को छीनने का आरोप, कहा मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ फिर से की जाएगी मूर्ति की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए की जमीन से हटाया गया था मंदिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले योजनाओं का फीता काटने में जुटे सीएम योगी, गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, सेंट्रल पार्क में होगा कार्यक्रम का आयोजन, चुनाव के मद्देनजर जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। रेल की रफ्तार को बढ़ाने पर सांसद करेंगे मंथन, बैठक में रेलवे के विकास के लिए प्रस्तावित रोड मैप और कमियों पर की जाएगी चर्चा, 36 सांसद लेंगे बैठक में हिस्सा, 8 राज्यसभा और 28 लोकसभा के सांसद करेंगे वाराणसी रेल मंडल मुख्यालय और रेल की गति बढ़ाने पर विचार विमर्श। सीकर में नहीं थमा छात्र संघ चुनाव को लेकर मचा बवाल, माकपा के पार्टी कार्यालय में पुलिस की बदसलूकी को लेकर पार्टी ने खोला मोर्चा, माकपा ने दोषी पुलिस कर्मियों और राजकीय गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर बजाया आंदोलन का बिगुल, आज पुलिस और प्रशासन के बीच सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। विदेश सचिव विजय गोखले की ईरान यात्रा का दूसरा दिन आज, अपने ईरानी समकक्ष उप विदेश मंत्री सैयद अब्बास के साथ 16वीं विदेश कार्यालय परामर्श वार्ता में लेंगे हिस्सा, मीटिंग में अहम द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा, कच्चे तेल पर भी दोनों नेताओं में बातचीत संभव। मोदी सरकार के नए मोटर व्हीकल कानून का विरोध तेज, दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आज जंतर मंतर पर करेगी प्रदर्शन, सरकार पर लगाया ड्राइवर्स पर जुर्माने का बोझ बढ़ाने का आरोप। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को आज से लगेगा महंगाई का झटका, जीरो बैलेंस वाले खाता धारकों को अपनी ब्रांच से नकद निकासी पर चुकाने होंगे 100 से 125 रुपए। बैंक ने जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स को खाते को किसी अन्य बेसिक सेविंग खाते में बदलने की दी थी सलाह, बैंकिंग लेन देन डिजिटल मोड में करने के लिए बैंक ने लिया फैसला।